أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कंप्लीट करा दिया गया हो और उसमें हमें फाइंड करना हो कि या क्वेश्चन दिया गया हो कि उसमें नंबर का जिसकी तादाद वो फाइंड करें तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो किसी भी कंप्लीट ग्राफ में हम नंबर ऑफ़ एडजेस अगर फाइंड करने हो, नंबर ऑफ़ एडजेस मीन ये लाइनें फाइंड करनी हो कि इसका किसी भी कंप्लीट ग्राफ में कितनी लाइनें हैं तो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास हमारा फार्मूला है कि एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू को यूज़ करके हम किसी भी कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ़ एडजेस की तादाद को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी हम तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें अगर कंप्लीट ग्राफ को दिया गया हो, जैसे कि हमारे पास ये अगर ग्राफ दिया गया हो कि कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स 5 के 5, कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स 6, तो हमें नंबर ऑफ़ एडजेस की तादाद को हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हम इसके की पॉइंट्स को देखते हैं कि कंप्लीट ग्राफ में की पॉइंट्स क्या होते हैं। तो इसमें इसका पहला की पॉइंट है कि अगर हमें कोई कंप्लीट ग्राफ दिया गया हो तो उसमें हम नंबर ऑफ़ एडजेस की तादाद को किस तरह फाइंड करेंगे। मीन अगर हमें कोई कंप्लीट ग्राफ जैसे कि 5 कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स के 6 कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स 5 दिया गया हो तो हम इसमें नंबर ऑफ़ एडजेस की तादाद को हम किस तरह फाइंड करेंगे। मीन हम देख किस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एडजेस हैं, जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं इसमें कंप्लीट ग्राफ में, वो कितनी है, किस तरह फाइंड करेंगे। तो किसी भी कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ़ जो एडजेस हैं उसकी तादाद को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है वो क्या है, n into n - 1 डिवाइड बाई 2। मीन जो वर्टिक्स है उसको नंबर ऑफ़ एन, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ एन को हम पुट करेंगे इस फार्मूला में। तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ़ एडजेस की तादाद को हम फाइंड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हम देखते हैं कि कितना फाइंड करेंगे, जैसे कि इसी एग्जांपल में हम देखें तो कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स 4 के लिए, तो 4 into 4 - 1 / 2, इसके हमें इसमें नंबर ऑफ़ एडजेस की तादाद कितना आएगी, 6। इसी तरह कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स 6 के लिए नंबर ऑफ़ एडजेस की तादाद क्या आएगी, 15। तो इसका दूसरा की पॉइंट क्या है कि द साइज ऑफ एवरी ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन इज़ है एट मोस्ट n into n - 1 / 2। मीन किसी भी कंप्लीट ग्राफ में जो नंबर ऑफ़ एडजेस की तादाद होगी वो क्या होगी, वो फिक्स होगी। मीन जो नंबर ऑफ़ एडजेस की तादाद होगी वो क्या होगी, ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होगी। मीन के जो नंबर ऑफ़ लाइंस होंगी, अगर हम इस कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स के 6 या के 4 की बात करें तो इसमें हम नंबर ऑफ़ एडजेस, जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो 15 से ज़्यादा ड्रा नहीं कर सकते कंप्लीट ग्राफ विद वर्टेक्स के 6 में। और इस तरह जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो वर्टेक्स 4 में हम 6 से ज़्यादा ड्रा नहीं कर सकते, जैसे कि हम देखें इसमें डेफिनेशन डायग्राम में। तो इसमें हम देखें तो इसमें हमारे पास कितनी लाइंस हैं, 15 लाइंस हैं। कैसे, 3 3 3 3 3 3, तो इनको हम सम करेंगे हमारे पास कितनी लाइंस हैं, 15। तो मीन तो इन पॉसिबिलिटीज़ के अलावा हम किसी भी वर्टेक्स को किसी भी पॉसिबिलिटीज़ के साथ कनेक्ट नहीं करवा सकते। मीन जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो क्या होंगी, ऑर्डर से क्या होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।